उत्तर प्रदेश के बदायूं में मूसा झाक थाना क्षेत्र के ग्राम तुगलापुर में जहरीली शराब की वजह से हुई मौतों के बाद आबकारी वाहक नींद से जाग गया है और जिले भर की शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। शहर के टिकटगंज स्थित शराब की दुकान पर 1400 ढक्कन और 540 फर्जी QR कोड और कुछ नकली शीशियां बरामद हुई हैं। दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई कर दुकान को सील कर दिया गया है। आपको बता दें, पंचायत चुनावों के मद्देनजर मिलावटी शराब के अवैध कारोबार पर सरकार बहुत सख्त है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अक्सर तमाम कार्रवाई करता रहता है, लेकिन जिले का आबकारी विभाग महज खाना पूर्ति करने तक ही सीमित रहता है। थाना मूसा झाक क्षेत्र के 2 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति की आँखों की रोशनी जहरीली शराब के कारण चली गई, जिसके बाद आबकारी विभाग नींद से जागा और गांव से लेकर शहर तक शराब की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इसमें आबकारी विभाग के तमाम उच्च अधिकारी मौजूद थे। सदर कोतवाली क्षेत्र के टिकटगंज स्थित शराब की दुकान पर विभाग द्वारा जब छापा मारा गया तो वहां पर 1400 से ज़्यादा शराब की बोतलें के ढक्कन तथा 540 फर्जी QR कोड बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त शराब की नकली शीशियां भी बरामद की गई हैं। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदार के खिलाफ विभाग की तरफ से FIR दर्ज कर ली गई है और साथ साथ दुकान को भी सील कर दिया गया है। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सहोदरा देवी नाम की एक वृद्ध महिला थी, लगभग 70 साल उनकी एज थी और वो यहीं एक कमरे के मकान में किराए पर रहती थी। उनका पोता जो था उसने सुबह कुछ उनसे पैसे मांगे, उनको पेंशन आदि मिलती थी, पैसे देने पे ही कुछ विवाद हुआ, इस पर लाठी डंडे से उसने प्रहार कर दिया और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो अपराधी है उसकी तलाश में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, क्यों हत्या किया गया? हत्या जो बताया गया वो नशेड़ी टाइप का लड़का है और नशे में रहता है और उसी शराब आज पीने के लिए वो पैसे मांग रहा था जो संभवतः वृद्ध महिला द्वारा नहीं दिया गया, इसी पे उनके द्वारा ये लाठी डंडे से प्रहार करके हत्या की गई।